तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के बारे में। यानी अगर आपके पीईटी में कितने नंबर हैं, यानी पीईटी आप अगर एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि पीईटी में 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो सभी को तो ये बात जाहिर सी बात है कि जो आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है वो सभी को देने के लिए नहीं मिलने वाला। उसका एक कट ऑफ तय होगा। कट ऑफ तय होने के बाद आपको क्वालिफाई जो बच्चे होंगे वही जो होंगे वो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। यानी ऐसा मान लीजिए आपका प्री हो रहा है, मेन आपका बाद में होगा। तो अब बात ये आती है कि कितने नंबर अगर आपके पीईटी में बन रहे हैं तो आप यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जान लें कि यूपी जो लेखपाल है उसमें जो कुल पद आने वाले हैं, जो संभावना है वो 8200 के समथिंग है। तो हम इसको मोटा माटी 8000 मान लेते हैं। और जो हमारा यानी कि पीईटी है, पीईटी के लिए जो बच्चों ने आवेदन किया है, जो अप्लाई किया है, वो कुल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 20 लाख, यानी 20 लाख से ज़्यादा हैं। हम यहाँ पर 20 लाख मान लेते हैं। तो अगर मैं पर सीट निकालूं, अब यहाँ पर देखिए जो 8000 थे, 8000 उधर कितने हैं, 20 लाख हैं। तो अब 20 लाख अगर ये मेंस के लिए, पूरे 8000 तो ये क्वालिफाई करेंगे नहीं, अगर ये 10 गुना भी बच्चों को क्वालिफाई करते हैं, तो 10 गुना करते तो इनको कितने क्वालिफाई करने होंगे, 80000 बच्चे क्वालिफाई करने होंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। किसके? यूपी लेखपाल के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं कंपटीशन देखूँ, पर सीट कंपटीशन कितना बनता है, 25 बनता है। कितना? 25। तो फ्रेंड्स, इस कंपटीशन को देखते हुए, यानी कि अगर 10 गुना बच्चे पास होते हैं, तो इस कंपटीशन को देखते हुए अगर आपके पीईटी में नंबर 65 से लेकर 75 तक आते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, 65 से लेकर 75 तक आते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम देने के लिए मिल जाएगा, यानी 65 से लेकर 75 तक। क्यों? क्योंकि 8000 हमारे पद होने वाले हैं और हम 10 गुना मानकर चलते हैं कि 10 गुना बच्चों को पास करेंगे। किसके लिए? मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो कितने हो गए? 80000 हो गए। टोटल 20 लाख है। अगर हम 80000 का 20 लाख एवरेज निकालें, कितना हो जाएगा? 1:25 आएगा। यानी कि एक सीट पर सीट कितने कंपटीशन हो जाएगा? 25 का कंपटीशन हो जाएगा। तो आपको 25 में से यानी कि एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे वो मेंस के लिए। तो अगर आपके नंबर 65 से 75 हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं यूपी लेखपाल की। पीईटी के एग्ज़ाम के लिए एक भी महीना नहीं बचा है, तो दिल लगाकर पहले पीईटी की तैयारी कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ।